नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बाइक को रोक के कैसे, यानी दोस्तों आपको अपना ब्रेक कैसे लगाना है। बाइक रोकते समय नई बाइक राइडर है तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है बाइक को रोकने में। बाइक राइडर क्या करते हैं, नई बाइक राइडर थोड़ा सा बाइक धीरे हो गया तो अपना ब्रेक छोड़ देंगे और बाइक अंदर किसी के जाके गिर जाएगी और चोट लग जाती है, नुकसान हो जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करें, अभी हम सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा पीछे का ब्रेक है। मुख्य रूप से हम मैक्सिमम टाइम बाइक को धीरे करने के लिए, बाइक को रोकने के लिए हम अपना पीछे का ब्रेक ही काम में लेते हैं। आगे का ब्रेक जैसे सिटी में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है या इमरजेंसी की सिचुएशन है तो हम आगे का ब्रेक काम में लेते हैं, अदरवाइज पीछे का ब्रेक ही काम में लिया जाता है। दोस्तों अभी हम इसको रवाना करते हैं और थोड़ा स्पीड में लेकर जाते हैं, उसके बाद हम रोकने का तरीका सीखेंगे। चलिए स्टार्ट कीजिए, रवाना कीजिए, थोड़ा स्पीड में लेके जाना है। और इससे अलावा दोस्तों हमने बाइक को रवाना करना, गियर चेंज करना वगैरह के भी वीडियो बनाए हैं। जैसे दोस्तों अभी हमारा यह है 35 से 40 की स्पीड हो गया, तो हम क्या करेंगे रोकने के लिए, रेस पूरा कम कर देंगे। ठीक है, रेस पूरा कम कर दो, ओके। और हल्का सा पीछे का ब्रेक दबाया, देखिए, और बाइक को धीरे होने का वेट किया है। और बाइक जैसे पूरी तरीके से रुक गया है तो हम अपना पीछे का ब्रेक छोड़ेंगे, नहीं तो जब तक बाइक हमारा पूरी तरीके से रुक नहीं जाता तब तक हम अपना पीछे का ब्रेक दबा कर रखेंगे। और क्लच कब पकड़ना, देखिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है कि क्लच कब पकड़ें। तो जैसे हमने रेस पूरा कम कर दिया है और वेट करेंगे अपना स्पीड कम होने का, जैसे हमारा 20 के लगभग स्पीड हो गया तो उस समय अपना क्लच पकड़ना है। ऐसा नहीं कि हमारा बाइक जैसे 50-60 की स्पीड में चल रहा है और अपना क्लच पकड़ लिया और उसके बाद पीछे का ब्रेक दबा रहे हैं, ऐसा नहीं। बाइक को जब भी धीरे करना हो ज़्यादा स्पीड में है तो रेस पूरा कम करना फर्स्ट स्टेप, और पीछे का ब्रेक दबा देना है। पीछे का ब्रेक उतना ही दबाना है जिससे कि पीछे का टायर जाम ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, धीरे होने का वेट करना है। जैसे ही पूरी तरीके से धीरे हो गया, 15 से 20 का स्पीड हो गया तो अपना क्लच दबा देंगे और फिर कंटिन्यू करना है तो अपना गियर शिफ्ट डाउन कर देंगे। 20 की स्पीड में हम जैसे 2 नंबर या 3 नंबर रखते हैं, ठीक है। अब जैसे एक बार और देखते हैं, दोबारा देखिए, अब जैसे रोकना है तो रेस पूरा कम कर दो और पीछे का ब्रेक दबा दिया है। अब जैसे 15 से 16 का स्पीड हो गया तो अपना क्लच भी दबा दिया और बाइक पूरी तरीके से जब तक रुक नहीं गया है तब तक हम अपना पीछे का ब्रेक दबा कर रखे हैं। जैसे ही पूरी तरीके से रुक गया तो अपना पीछे का ब्रेक छोड़ा है। नई बाइक राइडर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो बाइक रुकने से पहले ही अपना ब्रेक छोड़ देते हैं और बाइक फ्री हो जाती है और वो किसी के अंदर जाके गिर जाती है। तो उससे बचने का सिंपल तरीका है, तब तक ब्रेक अप्लाई करके रखो जब तक आपकी बाइक पूरी तरीके से रुक नहीं जाती है। यह वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। धन्यवाद। सुरेंद्र खिलेरी।